पंखा जुर क्षेत्र में मात्र एक ही वीर गेंद सिंह महाविद्यालय संचालित है, जिसमें सीट की कमी होने से बारहवीं पास हुए विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पाता है, जबकि पूरे परल कोट क्षेत्र में 47 उच्चतर विद्यालय से लगभग 3000 बच्चे प्रतिवर्ष पास होते हैं। महाविद्यालय में मात्र 500 से 600 सीट होने की वजह से सैकड़ों छात्र प्रवेश से वंचित हो जाते हैं। वर्तमान वर्ष में कोरोना के कारण सभी छात्रों को पास किए जाने से कॉलेज में आधे छात्रों का भी चयन नहीं हो पाया, जिसके लिए छात्र युवा मंच एवं स्टूडेंट पावर ऑफ यूनिटी ने सामूहिक रूप से आज महामहिम राज्यपाल के नाम प्राचार्य के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। देखिए, पखांजुर में एक ही मात्र महाविद्यालय है वीर गेंद सिंह, और लगभग परलकोट में 47 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से लगभग 3000 स्टूडेंट प्रतिवर्ष पास होकर निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे सीट की कमी के कारण पूरे बच्चों का दाखिला नहीं हो पाता है। हम गवर्नमेंट से और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि यहाँ पे सीट कक्षा बार बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ के बच्चों को बाहर जाने की नौबत ना आए। छात्र युवा मंच एवं स्टूडेंट पावर यूनिटी ने पखांजुर महाविद्यालय में सीट बढ़ाने के विषय को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें बारलकोट में 2 लाख से अधिक लोग निवासरत है, जिसमें 5000 से अधिक युवा जो है जो प्रतिवर्ष 12th पास आउट होते हैं, और यहाँ पे बारलकोट में एक ही ऐसे महाविद्यालय है जहाँ पे यहाँ के गरीब युवा एवं जो अपनी बहन है वहाँ एडमिशन लेती है, लेकिन सीट कम होने के कारण ये लोग ज्यादा से ज्यादा लोग ले नहीं पाते। इस विषय को ध्यान में रखते हुए आज हमने ज्ञापन दिया। कॉलेज में सीट की संख्या को बढ़ाने के लिए जिसमें बीए 300, बीएससी में 200, बीकॉम में 100, गणित विषय में 100 सीट करने की मांग रखी गई। उपरोक्त मांग को 7 दिवस के भीतर नहीं माने जाने पर छात्र संगठन सामूहिक रूप से आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने में छात्र युवा मंच से अध्यक्ष नीलकमल बड़ाई, प्रसन्नजीत सरकार, विष्णु मिस्त्री, स्टूडेंट पावर ऑफ यूनिटी, संस्थापक जीतनाथ, विप्लव देवनाथ, कृष्णा विप्लव विश्वास एवं कई महाविद्यालयीन छात्र उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, लोक पंखाजुर, कांकेत।